स्टार्ट कर। ठीक है अब क्वेश्चन कराता हूँ बच्चा। मैं लास्ट टाइम वो केस करने को कहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, आई होप सबने कर लिए होंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, कुछ क्वेश्चन है वो करा देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बात करेंगे किसकी रिफ्रैक्शन की बात को। ठीक है तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर से, एक स्फेरिकल मिरर है, मुझे पता नहीं स्फेरिकल कौन सा है, कंकेव है या कन्वेक्स है ये गिवन नहीं है, सिर्फ गिवन क्या है स्फेरिकल मिरर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है और एम की वैल्यू का मॉड दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको कितना हाफ, मतलब m का साइन नहीं दे रखा आपको, m की वैल्यू दे रखी है सिर्फ हाफ। और ये दे रखा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज कैसे दे रखी है इन्वर्टेड है और m की वैल्यू हाफ दे रखी है और पूछा है आपसे फोकल लेंथ ऑफ मिरर बताओ। एक स्फेरिकल मिरर है, किस टाइप का है मुझे पता नहीं, कंकेव है कन्वेक्स है ये भी नहीं गिवन, यू गिवन है आपको। ठीक है बच्चा और वो रियल साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा मेरा रियल है ये गिवन, और एम का मॉड दे रखा है और इमेज इन्वर्टेड है, तो क्या निकालना है फोकल लेंथ निकालनी है किसकी मिरर। निकालो बच्चा के कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं, देखते हैं। -10 -10 कुछ के 15 भी आ रहे हैं भाई, चलो अभी बताता नहीं आंसर क्या है, बाकी सीमा एंड महक गुड, बाकी लोग साक्षी गुड, पल्लवी गुड, लक्ष्य जी अगेन चेक, अदिति गुड। चलो बच्चा अब मैं कराता हूँ सवाल, जिन्होंने आंसर देने हैं दे दिए, बाकी सबको साइलेंट मोड पे है। ठीक है तो हम लोग करते हैं। ठीक अब देखो सबसे सबसे पहली चीज मुझे दे रखा है इमेज इन्वर्टेड है, एम का फॉर्मूला था मेरे पास -V/U और इमेज दे रखी है मुझे इन्वर्टेड है। ठीक है तो ये नेगेटिव है मानते हो, इसका मतलब V और U के साइन सेम होंगे तभी नेगेटिव आएगा, V और U के साइन मेरे पास सेम होंगे तभी तो मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ सकता है मानते हो, और नेगेटिव पता कैसे लगा इन्वर्टेड है इससे पता लगा। तो अब मेरे को पता है यू की वैल्यू क्या है -30 है तो V का भी सेम साइन आएगा मेरे पास मानते हो, वो भी नेगेटिव आएगा। और M की वैल्यू क्या दे रखी है आपको बच्चा, M की वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है आपको, तो यार ये गहरी चुपटी लेट आते हैं। चलो तो दोनों सेम साइन के हैं और M की वैल्यू 2 दे रखी है तो हम पुट कर ले, तो इससे V की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, और M की वैल्यू हाफ दे रखी, सॉरी M हाफ है तो V भी हाफ हो जाएगा इसका, तो V की वैल्यू क्या आएगी -15। इतनी बात समझ में आती है बच्चा, U मेरा दे रखा था -30 और मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव था, इसका मतलब V और U के साइन सेम थे और V की वैल्यू क्या आ गई, M को मैंने हाफ पुट किया तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 आ जाएगी। ठीक है बच्चा अब क्या करना है, F निकालना है तो क्या लगा दूं 1/V
प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू क्या लगा दूं, वन बाय एफ लगा दूं बच्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय थर्टी इज इक्वल टू वन बाय एफ। सॉल्व कर लो तो बच्चा ये क्या आएगा, मेरे पास एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया, ये माइनस टू, ये माइनस वन, तो माइनस थ्री बाय थर्टी यानी माइनस वन बाय टेन यानी एफ की वैल्यू क्या आएगी माइनस टेन। इसका मतलब मिरर कैसा है मेरे पास, कंकेव। कितने लोगों बात पल्ले पड़ गई है, एफ की वैल्यू माइनस टेन आएगी, आ गया सबको, चलो गुड। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़। अब नेक्स्ट जो सवाल दे रहा हूं मैं आपको वो करना है आपको एग्जांपल नंबर टू। एक मेरे को कनकेव मिरर दे रखा, कनकेव मिरर, उसका रेडियस दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या आपसे, यू पूछा, यू पूछा गया आपसे, इफ इमेज इमेज इज वर्चुअल एंड थ्री टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपसे यू पूछा गया, तो बताओ बच्चा कैसे करोगे, ट्राई करो और आंसर बताओ। यू निकालना है आपको, आर गिवन है और इमेज दे रखी है वर्चुअल है और थ्री टाइम्स ऑब्जेक्ट से है, बड़ी है। गुड प्रतीक जी, गुड महक जी, गुड और सीमा जी, गुड साक्षी जी, प्लीज चेक। चलो मैं कराता हूँ, करण जी नेगेटिव साइन का ध्यान रखो, माइनस एट आया करण जी। चलो सुनो, करना कैसे बच्चा सुनो, मुझे रेडियस दे रखा है तो रेडियस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा मेरे पास, क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव का रेडियस जो आएगा बच्चा इस तरफ आएगा पोल से, तो रेडियस तो नेगेटिव है। और मैं जानता हूं एफ की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, वो आती है आर बाई टू, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बारह। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। अब ऑब्जेक्ट इधर रखा है मान लो एक्स पे, तो यू की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, माइनस एक्स हो जाएगी। अब वर्चुअल इमेज बन रही है तो मतलब इस साइड बन रही है, इस साइड बनेगी वर्चुअल इमेज, तो वी की वैल्यू क्या है, थ्री टाइम्स है मेरे पास। देखो एम था वी वाई यू, माइनस वी वाई यू था, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को वैल्यू देखूं तो तीन टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, वी जो है वो यू से तीन टाइम है, तो वैल्यू क्या आएगी, थ्री एक्स आ जाएगी, ठीक है बच्चा। तो v की वैल्यू 3x आ गई और u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स आ गई, और f की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस बारह। तो क्या लगा दूं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 बाय v प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय f, ठीक है। ये स्टेप समझ में 3x कैसे किया मैंने, क्योंकि m की वैल्यू 3 दे रखी है, तो वैल्यू जो होती है साइन भूल जाए, साइन से पता लगता है मुझे इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो v u से तीन गुना है, इसकी वैल्यू x है तो उसकी 3x मिली मैंने, क्योंकि ये राइट साइड में वर्चुअल इमेज है, तो एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, थ्री एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बच्चा। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वन बाई वी, वन बाई वी मतलब वन बाई थ्री एक्स
माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई ट्वेल्व। ठीक है बच्चा, इसे आप सॉल्व करोगे बच्चा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी, और तो डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, माइनस 8 आएगा। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? कर लोगे बच्चा ये? किसी बच्चे को डाउट इसमें? चलो गुड। जिन्होंने गलत किया 16, साक्षी जी 16 कैसे लाए थे आप? चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा। नेक्स्ट यही सेम सवाल है, बस मैं चेंज क्या कर रहा हूं बच्चा कि इस बार मेरी इमेज रियल है, इमेज जो है वो इस बार रियल है और 3 times है। तो आपको क्या निकालना है? यू निकालना। ओके साक्षी जी, गुड। प्रतीक जी, महक, वेरी गुड। सीमा, गुड। कनन जी, गुड। बिंदु जी, गुड। और बाकी लोग? साक्षी जी फिर से गलत कर रहे हो? चेक करो, इस बार रियल है मेरे पास। अदिति, गुड। पल्लवी जी, गुड। ऐना जी, गुड। चलो अब मैं करता हूं, सुनो, मुझे पता है इमेज रियल है, ठीक है, तो इमेज किधर बन रही है? लेफ्ट साइड बन रही है। ऑब्जेक्ट भी मेरा लेफ्ट साइड है और इमेज भी मेरी लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब यू और वी तो सेम साइन के आएंगे। तो यहाँ पे यू तो क्या लूं मैं, माइनस एक्स लूंगा, और इमेज जो है मेरे पास वो 3 गुना है, तो आएगा तो 3x, ठीक है, लेकिन नेगेटिव आएगा मेरे पास क्योंकि इस साइड बन रही है। ठीक है, वहां मैंने प्लस 3x लिया था, क्यों? क्योंकि वो इस साइड बन रही थी, यहाँ पे वो इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, इसका मतलब क्या, माइनस 3x। f की वैल्यू मैं जानता हूँ, पहले भी निकाल चुका हूँ, माइनस 12 है, बस पुट करना है फॉर्मूले में यार, 1 by v + 1 by u = 1 by f, पुट कर लो बस यहाँ पे, -1/3x - 1/x = -1/12। तो इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, मेरे हिसाब से 16 आएगी x की वैल्यू, लेकिन u तो मेरा नेगेटिव लिखना है मेरे को, तो माइनस सोच। ठीक है बच्चा, आया समझ में? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है रिफ्रैक्शन। इसमें मजा आएगा आपको, रिफ्रैक्शन में काफी अच्छे सवाल बनते हैं, तो वन बाय वन हम सारे सवाल देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब किसकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट टकरा के वापस सेम मीडियम में आती थी, लाइट आई एक इंटरफेस से टकराई, टकरा के सेम मीडियम, लाइट मीडियम चेंज नहीं करती थी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक इंटरफेस होगा मेरे पास, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करे, बाउंड्री सेपरेटिंग
टू मीडियम्स। तो देखो एक टर्म आती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, चर्चा करेंगे। मान लो यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है मेरे पास वो एन वन है, यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू है। सब लोग शायद फैमिलियर हो इस टर्म से, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से, बट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी लाइट इस मीडियम में, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो एक मीडियम बदल रही है, मानते हो। तो मैं जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट कर रही है उसे बोलता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या ड्रॉ करूंगा मैं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, आइदर वो बेंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल या वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड टुवर्ड नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल बेस्ड अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो जब भी लाइट अगर बेसिकली मीडियम बदल रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और लाइट सेम मीडियम में वापस आ रही है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो मीडियम का चेंज होना, मीडियम चेंज हो तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको पता होगा, सब लोग पढ़ चुके हो वैसे तो, कि ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलता हूं मैं एंगल आई, और ये कौन सी रे मेरे पास, इंसिडेंट रे। सब लोग पहले पढ़ चुके हो इसलिए फास्ट फास्ट बता रहा हूं, ये इंसिडेंट रे, इसे क्या बोलूंगा मैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये मेरा नॉर्मल था, तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसे बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वो चर्चा है जो आप पहले से जानते हो, कुछ नया आपने नहीं सीखा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसकी चर्चा करते हैं, फिर स्नेल्स लॉ की चर्चा करेंगे, फिर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसको डिफाइन किस लिखते हैं, एन से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता क्या है, रेशियो होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर ये मेरे पास मीडियम है, ठीक है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n है, तो बाहर जब लाइट आ रही वैक्यूम में तो यहां स्पीड तो इसकी क्या होगी, c, और इसके अंदर जो स्पीड होगी बच्चा उसे मैं क्या बोलूंगा, v बोलूंगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइड बाई v। और आप सब लोग जानते हो मीडियम के अंदर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, v इज लेसर देन c, तो इसका मतलब क्या है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब भी लाइट किसी मीडियम में जाएगी तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जानते हैं वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी आपको सवाल में गिवन होगा कि इस मीडियम में इतने वी है, तो क्या हम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, हाँ। मान लो आपको दे रखा है कि वी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁸ दे रखी है कि इस मीडियम में इतनी रफ्तार है, तो सी मतलब वी निकालना, एन निकालना, एन क्या है, सी बाई वी,
सी तो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी इसमें कितना है 2 × 10⁸, तो वैल्यू क्या आएगी 1.5। तो अगर आपको मीडियम में रफ्तार दे रखी हो, ठीक है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा हो, तो आप निकाल सकते हो। तो एन है क्या, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पुरानी चर्चा है, कोई नई चर्चा इसमें नहीं है, 9th-10th वाला ही फंडा है। ठीक है बच्चा, अब मैं फटाफट स्नेल्स लॉ बता देता हूँ आपको है क्या, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलो सुनो बच्चा, अगर मान लो मेरे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, ये इंटरफेस है, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ आपने क्या कहा कि एक रे आई मेरे पास ऐसे, यहां मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये रे बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी जब N2 मेरा बड़ा हो किससे, N1 से। तो जब N2 बड़ा है तो इसे क्या बोलूंगा मैं, डेंसर मीडियम। N1 मेरे पास छोटा है तो क्या बोलूंगा, रेयर मीडियम बोल दूंगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन हो और लाइट जाए कहां से, रेयर से डेंसर जाएगी, तो होगी बेंड टुवर्ड नॉर्मल। और अगर मेरे पास जाए डेंसर टू रेयर जाएगी, तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, ये मेरे पास आई है, ये मेरे पास आर है, उसने क्या कहा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 × sin of i इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 × sin of r। ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, N1 sin i बराबर N2 sin r। i और r किससे लेने हैं, नॉर्मल से लेने हमें, ठीक है बच्चा। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। वही सेम कहानी है बिल्कुल जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ी, ये सब लोग जानते हैं, तो ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा। ये कौन सी है इंसिडेंट रे, ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रिफ्रेक्ट। अगर रेयर से डेंसर जाओगे तो टुवर्ड नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको रिव्यू करा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, अब तक जो मैंने पढ़ाया रिफ्लेक्शन का पुराना पार्ट ही पढ़ाया जो आप जानते हो, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम, यस नो तो बोलो। ये साइन क्यों लगाया है, ये लॉ है बच्चा, लॉ है, लॉ कोई प्रूफ नहीं है, ये ठीक है जी, साइन आएगा बस, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो साइन आता है बच्चा, ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। अब सुनो करना क्या है, सबसे पहली चीज हम जो पढ़ रहे हैं बच्चा, वो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ये इंटरेस्टिंग है बच्चा, सुनो, जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ, इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो तुमने एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन किया होगा, जैसे मान लो ये बाल्टी, मान लो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी में पानी भर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे तुमने एक सिक्का रखा कॉइन। जब आप इसे ऊपर से देखते हो तो ये सिक्का आपको ऊपर नजर आता है, कॉइन ऊपर नजर आता है, कितने लोगों ने देखा ये,
देखा ना बच्चा सब लोगों ने, चलो पढ़। अब ये कितना ऊपर नजर आता है वो हमें निकालना है बच्चा, ठीक है? तो सुनो, मुझे पता है ये ऊपर नजर आएगा, पहले सोचते हैं ऊपर नजर आता क्यों है, ठीक है? फिर देखेंगे कितना ऊपर नजर आएगा वो हमें डिराइव करना है, ठीक है? अब आप सब लोग जानते हो अगर एक रे ऐसे इससे निकल रही है, स्ट्रेट रे है, ये मीडियम मान लेते हैं हम लोग, इसको एन टू मान लेते हैं, और इसे क्या मान ले बच्चा हम एन वन मान ले, ठीक है? ये रे स्ट्रेट जा रही है तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चा, आई जीरो है, तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर लगाओ, स्नेल्स लॉ, तो आई को जीरो रखूंगा तो साइन जीरो क्या होता है बच्चा, जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये क्या आएगा एन टू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी जीरो, यानी आर भी क्या आएगा जीरो, तो जो रे नॉर्मल इंसिडेंस करेगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, मानते हो बच्चा, ठीक है? अब जो रे ऐसे यहां पे इंसिडेंस कर रही, ये मान लो मेरा एंगल आई है, अब देखो मैं ये मान रहा हूं बच्चा बाहर तो क्या है मेरे पास एयर है, यहां पे क्या है वाटर है, तो वाटर जो है बच्चा वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, तो लाइट जो जाएगी वो बेंड अवे होगी या टुवर्ड होगी, लाइट जा रही कहां से, डेंसर से कहां जा रही है बच्चा, रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी बच्चा ऐसे, ठीक है? अब जो बंदा यहां पे मेरे पास आंख है मान लो ऐसे, ये आंख है, तो आंख को क्या लगेगा कि ये रे जो आ रही है, ये रे जो आ रही है वो कहां से आ रही है, वो यहां से आती नजर आएगी, तो उसे इन दोनों लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, इमेज किससे बनती है, कम से कम दो रे से बनती है, तो ये वाली रे और ये वाली रे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास वो क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी, तो इसका मतलब क्या है उसे आंख को लगेगा कि पॉइंट कहां पे रखा है, यहां पे रखा, लेकिन एक्चुअल में जो पॉइंट रखा है वो यहां पे रखा, तो रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण उसे पॉइंट ऊपर नजर आता है, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब कितना ऊपर नजर आता है वो देखते हैं, तो ये जो है ये लेंथ जो दिख रही है आपको इसे मैं बोलूंगा डी रियल, डी रियल, एक्चुअल में जो उसकी डेप्थ है वो डी रियल है, और ये जो लेंथ है जहां पे इमेज बन रही है सरफेस से उसे बोलूंगा डी अपेरेंट, ठीक है बच्चा? तो मुझे करना क्या है, डी अपेरेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी रियल, ठीक है? तो कैसे निकालें बच्चा हम लोग, तो सुनो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, और डी रियल तो पता ही मेरे को, ठीक है जी? अब यहां से जो एंगल है वो कितना है बच्चा, ये मेरे पास आई है, ये आई है, तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, आई होगा, ऐसे देखो बच्चा ये रे जा रही थी, ये ऐसे था, ये ऐसे, अगर ये आई है तो बच्चा ये भी आई होगा, तो ये एंगल मेरे पास आई आ गया, और ये एंगल कितना है मेरे पास आर है, तो बच्चा ये आर है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली लाइन मेरे पास पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा मेरे पास आर, इतनी बात समझ में आ रही बच्चा आप लोगों को, आई और आर समझ में आ गए? अब मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं ऐसे देखो, सुनो ये एंगल आई और ये एंगल मेरे पास क्या है बच्चा आर, और ये पूरी लेंथ कितनी है मेरे पास डी रियल है, और ये लेंथ कितनी है मेरे पास डी अपर है, और ये कितना है बच्चा मेरे पास एक्स। हाँ जी, कोई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बताओ भाई एना जी, भाई हाथ खड़ा किया था ना आपने, अरे कोई बात नहीं, चलो तो इस ट्रायंगल को देखो आप लोग, ठीक है? अब इस ट्रायंगल में
टेन आई की वैल्यू बताओ, जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला, जैसे मैं बात करूं इसकी, ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चा, बड़े वाला ट्राइंगल ऐसे, इस ट्राइंगल में मैं पूछ रहा हूं आपसे टेन आई, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और टेन क्या होता है पी बाय बी, मानते हो? तो पी तो मेरा क्या है एक्स है, और बी क्या है मेरे पास बच्चा, बी बोलो, डी रियल, इतनी बात पल्ले पड़ती है बच्चा। अब मैं बात करूं किसकी, टेन आर, टेन आर के लिए मुझे ट्राइंगल जो देखना पड़ेगा बच्चा, वो ट्राइंगल क्या होगा मेरे पास, वो ट्राइंगल होगा ये वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हमें जो देखना है वो निकालना टेन आर, देखना है। तो टेन आर जो होगा वो होगा पी बाय बी, पी तो क्या है बच्चा मेरे पास एक्स है, और बी क्या है मेरे पास डी अपेरेंट, इतनी बात सबको समझ में आ गई, टेन आई और टेन आर, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ टेन आई और टेन आर समझ में आ गया, कैसे निकाला मैंने, चलो गुड है, तीन बच्चे ही बता रहे हैं, फिर से बता दो लक्ष्य, लक्ष्य जी सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये राइट एंगल यहां पे ऐसे, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या होती है बेस मेरे पास, तो बड़े ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है मेरे पास वो तो है एक्स, ठीक है, और जो बेस है वो क्या है मेरे पास डी रियल है, तो मैंने क्या लिख दिया एक्स बाई डी रियल, और छोटे ट्राइंगल के लिए, छोटे ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर तो एक्स है लेकिन जो बेस है वो क्या है डी अपेरेंट है, मानते हो? अब ये तो हमें टैन मिल गया, लेकिन हमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ में क्या आता है बच्चा, साइन आता है टैन आता है, साइन आता है मेरे पास, तो स्नेल्स लॉ लगा दूं मैं तो वो क्या आएगा एन वन, एन वन से रे जा रही है तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अब यहां तो साइन है मैंने निकाला क्या टेन निकाला, तो बच्चा सुनो हम क्या करते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं, रेज कैसी हैं क्लोज टू, रेज पैराक्सियल मान लो, जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं वो पैराक्सियल रे के लिए वैलिड होगा, और पैराक्सियल रे आर वेरी क्लोज, तो इसका मतलब आई बहुत छोटा होगा, आई इज वेरी स्मॉल, आई छोटा तो आर भी वेरी स्मॉल, और हम जानते हैं जब आई बहुत थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, तो आई नो आई कैन रिप्लेस टेन थीटा बाय साइन थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल कैसे मान लिया हम लोगों ने, क्योंकि रेज हमने क्या मानी है बच्चा पैराएक्सियल मानी है, यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को, पक्की बात है, देख लो बालकों कोई डाउट है तो बता दो मुझे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, नो प्रॉब्लम, चलो आप सुनो, एन वन साइन आई को मैं लिख दूं टेन आई, एन टू टेन आर, मैं उल्टा टेन को साइन से नहीं साइन को टेन से लिखना है, साइन बाय टेन, ठीक है जी। अब मैं जानता हूं एन वन टेन आई जो है मेरे पास वो है मेरे पास क्या एक्स बाय डी रियल, एन टू एन टू टेन आर क्या है मेरे पास एक्स बाय डी अपेरेंट, अब एक्स ने एक्स को मार दिया तो मुझे निकालना क्या है डी अपेरेंट निकालना है, डी अपेरेंट को इधर ले जाऊं
और डी रियल को इधर ले जाओ, तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, डी रियल इंटू एन टू बाय एन वन, एन वन को भी इधर ले गया मैं बच्चा। तो मैं ऐसे ऐसे याद तक ऐसे करता हूँ, सुनो मैं ऐसे याद रखता हूँ, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू, ऐसे याद रखता हूँ बच्चा। डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू, ठीक है। अब सुनो इसको, अगर आपको सवाल सारे सही करने हैं ना तो ऐसे याद रखना है, एन वन वो मीडियम है, एन वन वो मीडियम है जिससे रे जा रही है, और एन टू वो मीडियम है जिसमें रे जा रही है। ऐसे याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू, एन वन वो मीडियम जिससे रे जा रही है, और एन टू वो मीडियम जिसमें रे जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, यहां तक की डेरिवेशन सबको क्लियर है बच्चा? बताओगे किसी को डाउट है तो? बोलो, चलो गुड है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं? ऐसा लगता है मुझे लेक्चर चला के लोग या तो लगे हुए हैं उस पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। चलो सुनो, अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है। लल्लू सवाल है बिल्कुल, एलपी मछली, ठीक है जी। और यहां पे मेरी आंख है, बिल्कुल सरफेस पे आंख है, और मछली की डेप्थ दे रखी है आपको कितनी, 48 दे रखी है, 48 मीटर पे है, ठीक है। और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3। तो आंख मछली को देख रही है, आंख मछली को देख रही है, तो बताओ आंख को मछली, आंख को फिश कितने डिस्टेंस पे नजर आएगी? बताओ भाई फटाफट, फॉर्मूला यूज करें। लल्लू प्रॉब्लम है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। बताओ भाई, सबकी एनर्जी गायब है क्या आज? ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? अदा यार, लेजी लैड्स। तीन आंसर आए अब तक खाली।
चलो मैं कराता हूँ, सुनो। अगर आंख देख रही है मछली को तो रे कहां से आ रही होंगी, मछली से या आंख से? रे तो फिश से आएगी, तो रे जा तो किस मीडियम से रही है? इस मीडियम से जा रही है। किस में जा रही है? हवा में जा रही है। यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है बच्चा, एयर, ठीक है जी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू। डी रियल तो कितना है 48, याद रखना डी रियल और डी अपेरेंट कहां से लेते हैं, इंटरफेस से। डी रियल एंड डी अपेरेंट आर टेकन फ्रॉम इंटरफेस, फ्रॉम इंटरफेस यानी बाउंड्री, ठीक है बच्चा। तो एन वन क्या है, जिससे रे जा रही है, रे किससे जा रही है, 4/3 से जा रही है, बाय किस में जा रही है, वहां रिफ्लेक्शन कितना है 1 है मेरे पास, तो 3 तो ऊपर चल जाएगा, 3 × 48/4 12, 12 × 36। तो जिन 3 बालकों ने आंसर दिया उन्होंने सही दिया, वेरी गुड, बाकी लोग प्लीज जाग जाएं, अन्यथा भाग जाएं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट करता हूं, अब इंटरेस्टिंग ये लल्लू था ना, अब इंटरेस्टिंग कॉलम करते हैं। चलो सुनो, अब ये सीपी है, एलपी नहीं। मछली वही डिस्टेंस 48, अब यहां पे बर्ड आ गई, आग की जगह बर्ड आ गई, बर्ड ऐसे है 36 के डिस्टेंस, बर्ड हवा में है और मछली पानी में है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका 4/3 और उसका 1 दे रखा है। अब क्या है, अगर बर्ड देख रही है फिश को, बर्ड देख रही है फिश को, तो बर्ड को फिश कितनी दूर नजर आए, बर्ड को फिश अपने से कितनी दूर नजर आएगी, गुड महक, बिंदु जी दिस टाइम आई गेस यू आर रॉन्ग, साक्षी जी आर राइट, बाकी लोग बताओ भाई, आदित्य जी राइट, गुड। चलो सुनो बिंदु जी, शायद आप कुछ गलती कर रहे हो, अच्छा मतलब बिंदु और पल्लवी बिल्कुल सेम सोच रहे हैं, ठीक है जी, दोनों ने सेम और लक्ष्य भी सेम सोच रहा है, ठीक है, तीनों की गलती कॉमन है। चलो आस्था जी आपका भी सही नहीं है, ठीक है जी, तो चलो मैं कराता हूं, सुनो। चलो पहली चीज, बर्ड देख रही है फिश को तो रेज कहां से जाएंगी, फिश से रेज जाएंगी, तो फिश से रेज जाएंगी तो किस मीडियम से जा रही है, इस मीडियम से जा रही है, तो मेरा एन वन तो क्या हो गया 4/3 और एन टू क्या हो गया मेरे पास 1, इतनी बात समझ में आई। अब याद रखना डी रियल और डी अपेरेंट लेते कहां से हैं, इंटरफेस, तो इंटरफेस कहां पे है, यहां पे, तो डी रियल और डी अपेरेंट इंटरफेस से आएगा, तो डी अपेरेंट तो लास्ट टाइम सॉल्व किया था हम लोगों ने, वो था डी रियल बाय एन वन बाय एन टू,
डी रियल कितना है 48। कुछ लोगों ने क्या, चमत्कारी बालकों ने क्या किया होगा, 48 प्लस 36 कर दिया होगा डी रियल। बालकों मैंने बताया था कि डी रियल और डी अपेरेंट आप कहां से लेंगे, इंटरफेस से लेंगे, ना कि टोटल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो 48 N1 की वैल्यू क्या है, 4/3/1, तो फिर से 48 × 3/4 यानी 36। तो यानी इस इंटरफेस से मुझे इमेज यहां नजर आएगी, 36 के डिस्टेंस पे नजर आएगी। तो यहां से 36 है, तो बर्ड से कितना होगा, ये वाला 36 प्लस ये वाला 36, तो 36 प्लस 36 यानी 72 की मीटर की दूरी पे नजर आएगी। आया समझ में बच्चा? ठीक है बच्चा, किसी को कोई डाउट तो बता दे मुझे प्लीज। चलो गुड। 63 वाले पल्लवी और लक्ष्य जी, कैसे किया ये चमत्कार, कैसे किया आपने 63 कैसे लेके आए? या तो आपने N1 N2 गलत ले लिए, या तो आपने N1 N2 गलत लिए तभी आपका आंसर गलत आ रहा है। 36 प्लस 23 किया होगा आपने, वेरी गुड। अच्छा, चार ऊपर ले गए तब भी गड़बड़ है, आंसर तो लग रहा है मुझे। चलो सुनो, आप क्या करो, कुछ चमत्कार ही किया आप लोगों ने, 48 प्लस 36 कर दिया। अच्छा कोई बात, आप एक काम करो, इसी क्वेश्चन में अगर फिश देख रही है किसे, फिश देख रही है किसे, बर्ड को, तो बताओ फिश को बर्ड की दूरी कितनी नजर आएगी। कितने डिस्टेंस पे नजर आए, बताओ बताओ फटाफट। ओके महक जी, आस्था जी 84 से लगाओ है क्या आपको, पहले वाला आंसर भी 84, अब भी 84। क्या फेवरेट नंबर है, लक्ष्य जी 75, देखते आंसर मेरे पास है नहीं, निकालना पड़ेगा। गुड साक्षी जी, अदिति आंसर नहीं आया, 96। गुड, चलो बच्चा करते हैं, देखो बाकी लोग तो आंसर दे ही नहीं रहे हैं, बस 5-6 बच्चे हैं जो आंसर ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, गुड, बिंदु गुड, विश्वजीत गुड। अब सुनो, अगर मेरे पास क्या है, फिश देख रही है बर्ड को, ये दूरी थी 36, ये दूरी दे रखी थी 48,
और ये मेरे पास क्या था, बर्ड, और ये थी फिश। अगर फिश देख रही है तो रेज किससे आएंगी, बर्ड से फिश की तरफ जाएंगी। तो मेरा फॉर्मूला जो था वो था डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू। अब डी रियल कौन सा है, कुछ चमत्कारी बालक अभी भी डी रियल को 48 लेके बैठे होंगे, पक्की बात। डी रियल क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से। अब ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है मेरे पास, और ऑब्जर्वर कौन है, फिश। ऑब्जेक्ट की दूरी देखनी है मुझे किससे, इंटरफेस से, वो दूरी कितनी है, डी रियल यानी 36 बाय एन वन। एन वन क्या है, जिससे रे जाती थी, तो जा किससे रही है, एयर से जा रही है, जा किस में रही है, वाटर में। तो एन वन तो वन है, और एन टू क्या है मेरे पास, 4/3। तो 4/3 तो 3 ऊपर चल जाएगा ऐसे, और 4 ऊपर चल जाएगा ऐसे, तो 36, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 12 12 चौके 48, तो 48 की दूरी पे नजर आएगी ऐसे, यहां से इंटरफेस से, क्योंकि डी रियल भी और डी अपेरेंट दोनों कहां से होते हैं, इंटरफेस। तो यहाँ का इमेज नजर आएगी 48 ये वाला और 48 ये वाला। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास क्या होगा, 48 प्लस 48 यानी बच्चा क्या हो गया, 96 मीटर आंसर आएगा। काफी लोगों का सही है, एक दो बच्चों का ही गलत है, ठीक है, तो गुड। मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, वेरी गुड, ऐसे करते हो सारे काम, चलो कोई बात। तो मछली वाले सवाल कर लोगे बच्चा, मछली और बर्ड वाले, 36 प्लस कर दिया था, वाह वाह क्या बात। चलो सुनो, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लोग, ये तो बात होगी डिस्टेंस की, ठीक है, अब वेलोसिटी की बात कर ले। अगर ये मछली चलने लग जाए, मछली अभी स्टेबल थी ना, मछली और बर्ड सब स्टेबल थे, सिर्फ तैर रहे थे, ठीक है जी। अब मान लो मछली भी चलने लग जाती है, मान लो ये वाला केस करता हूँ, जैसे पहले सिंपल फिश है मेरे पास, ये ऊपर जा रही है, वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी दे रखी है मान लो आपको, कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है मान लो, और ये मेरा क्या है, 4/3 है, और ये 1 है, और मान लो यहाँ पे आंख, ठीक है बच्चा। तो अब आंख को फिश की कितनी रफ्तार नजर आएगी वो बताना है आप, आई को फिश की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ये बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। अब तक डिस्टेंस की बात की, कितना डिस्टेंस नजर आएगा, अब बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की बात कर, दिमाग लगाओ और बताओ। ओके महक, गुड, गुड साक्षी, बाकी लोग ट्राई तो करो, गुड लक्ष्य,
आंसर चेंज महक जी। चलो देखते हैं, बाकी लोग कोई ट्राई नहीं कर देगा यार, कमाल है। चलो सुनो, फिश का डिस्टेंस मुझे देखना है, वो था डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय एन वन बाय एन टू, यानी क्या लिख लूं मैं इसे, एन टू टाइम्स डी रियल बाय एन वन। ये एन टू एन वन तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है बच्चा, तो यानी डी अपेरेंट इज एन टू टाइम्स डी रियल बाय एन वन, ठीक है बच्चा। अब डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लू, डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लू, वही क्या होता है मेरे पास वेलोसिटी होती है, तो इस साइड डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या आएगा, वी अपेरेंट वेलोसिटी अपेरेंट इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन इन टू वेलोसिटी रियल, मानते हो बच्चा। अब अपेरेंट तो मुझे निकालनी है, एन वन कौन सा है जिससे रे जाती है, तो नीचे तो क्या है फोर बाई थ्री है, ऊपर क्या है वन है मेरे पास, और यहाँ पे वी रियल कितना है, बारह दे रखा है मेरे पास, तो तीन ऊपर जाएगा तो छत्तीस बटे नौ, यानी थर्टी सिक्स बाय फोर, यानी क्या आएगा, नाइन आएगा बच्चे। ठीक है बच्चा, तो जी कितने लोगों ने ये सोच लिया था ये चीजें, गुड अनुराग जी बताओ, गुड बच्चा साक्षी लक्ष्य आदित्य गुड, मैक जी आंसर चेंज क्यों किया आपने, मैक चलो, तो अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी निकाल लो, तो बड़ी बात तो नहीं है बच्चा, फॉर्मूला यूज करना है और काम बनाना है, ठीक है बच्चा। अगर मान लो दोनों चला दूं मैं, एक काम करना सुनो, मान लो फिश और बर्ड दोनों लेते हैं अपन, बर्ड जा रही है ऊपर 12 से, और यहां तो फिश आएगी, पानी में तो फिश आएगी, बर्ड कहां से आएगी, और बर्ड आ रही है नीचे की तरफ 15 से, ठीक है। इनका अगर आप पूछ लो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश और वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये सब चीजें मैं बोलूं मैं निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो ये 4/3 है और ये 1 है, तो ये आपका असाइनमेंट है बच्चा घर के लिए, कि बर्ड आ रही है कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, और फिश आ रही है 12 से, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालनी है, ये करना बच्चा और मुझे कल बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चा, ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, और बच्चा टाइम पे आया करो और स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है आप लोगों की, बच्चे रेगुलर है ही, बाद में पल्ले पढ़ना नहीं है, स्कूल साल खुलने नहीं बहुत देर तक, अभी पढ़ लो ढंग से, तुम सोचो स्कूल में पढ़ेंगे दिक्कत आ जाएगी, स्कूल में भरोसा नहीं कर पलेगा। ओके बच्चे, हाँ जी गैरी जी यू हैव रेज योर हैंड, सब लोग बाय मिस्टेक ही हैंड रेज करते हो तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बच्चा, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। एनवन टू देर तो दिए मैंने कॉन्स्टेंट, हाँ कॉन्स्टेंट एनवन टू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कॉन्स्टेंट होता है बच्चा मेरे पास, एक मीडियम के लिए फिक्स ही होता है कॉन्स्टेंट एडेप्ट। अरे यार जब भी मेरी बात सुनो, जब कॉन्स्टेंट सुनो, अगर कॉन्स्टेंट इन टू मेरे पास एक्स की पावर एन होता है ना, वेरिएबल साथ में हो मेरे पास, ठीक है, तब कांस्टेंट की इज्जत होती है, यानी क्या आएगा c टाइम्स n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, अकेला कांस्टेंट हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है जीरो,
कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में तो इज्जत करनी है उसके भाई, ठीक है। चलो बाय।